तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और मैट्रिक्स चैनल। आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे हैं डिप्लोमा डी फार्मेसी डी फार्मा एमएलटी कोर्स कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि जो एचएसटीएस का पिछले सेमेस्टर में अपना पेपर लिया था, उनका रिजल्ट भी आ गया है, तो उनका स्कॉलरशिप फॉर्म दोस्तों आउट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में ए टू जेड बता चीज बातें करने वाला हूँ। आप फॉर्म कहाँ से लो, कब फिल करना है, कैसे फिल करना है, किस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा, आप कॉलेज में कैसे ले पाओगे, तो मैं सब जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना और इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों, ताकि जो आपका स्कॉलरशिप है आपको भी मिल सके और जो आपका दोस्त है टॉपर या ऑल क्लियर उन बच्चों को मिल सके। तो इस वीडियो को फैला देना, अपने ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि सारे को प्रॉफिट हो सके जो भी बच्चे इसके अंदर आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक्स कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। और कोई क्वारी हो नीचे आप कमेंट करना दोस्तों। जो भी पेपर एचएसटीएस के अंदर हुए थे, एचएसबीटी के अंदर हुए थे, उनका रिजल्ट भी आ चुका है और उनका स्कॉलरशिप का फॉर्म भी आ चुका है दोस्तों। ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने लिया है, स्कॉलरशिप का फॉर्म है। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए, सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको यहीं पर यह फॉर्म प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। ये फॉर्म आ चुका है, इस फॉर्म को आप फिल करके आप अपने कॉलेज में, अगर आपके कॉलेज से फॉर्म नहीं मिलते हैं दोस्तों, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है दोस्तों। ये आपको फॉर्म दे रखा है, देख सकते हो, फॉर्म और अप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट हरियाणा स्कॉलरशिप, ठीक है। ये सेमेस्टर एग्जाम का स्कॉलरशिप का है, नेम, फादर्स नेम, ए टू जे इन्फॉर्मेशन डालना है इसके अंदर। और दोस्तों एक सेकेंड पेज है इसके अंदर, देख सकते हो इस तरह का कुछ सेकंड पेज है। इसके अंदर आपका बैंक डिटेल अच्छे से डालना है, सिग्नेचर आपका जो होगा ए टू जेड, जो इस जिन्होंने जो इसने फिल करवाने को मांगा है वो आपको सारा कुछ फिल करना है। और सेकंड पेज के अंदर बैंक डिटेल्स फिल करना है अच्छे से। तो ये सारे आपको फिल करना है और आपको कॉलेज में ही सबमिट करना है। सबमिट कहाँ करना है, एग्ज़ाम ब्रांच के अंदर आपको देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करना है आपको। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको बैंक डिटेल का फोटोकॉपी, अपना आधार कार्ड और अपना रिजल्ट, ठीक है, इस तीन चीज़ को आप अटैच कर देना और स्टेपल करके अपने एग्जाम ब्रांच में दे देना। अब स्कॉलरशिप दोस्तों मिलता किसको है, आपके ब्रांच के जो टॉप 10 बच्चे होंगे उसी को स्कॉलरशिप मिलेगा। जो बच्चे टॉप 10 के अंदर आ रहे होंगे उसी को पैसा मिलेगा, और पैसे 2500 रुपये मिलते हैं स्कॉलरशिप, और आपका स्कॉलरशिप विद इन 1 मंथ आपके अकाउंट में चले आएंगे। तो आप दोस्तों सावधानी से इसे फिल करना, गलती मत करना कहीं। आपका बैंक डिटेल अच्छे से फिल करना, रोल नंबर अच्छे से फिल करना, और कॉन्टैक्ट नंबर भी अच्छे से फिल करना, और जो तीन डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है और डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना। और टॉप 10 बच्चे को ही मिलेगा 2500 रुपये, और आपके पैसे विद इन 1 मंथ आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा कोई क्वारी को नीचे आप कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक्स करना, और इसका मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। तो टेक केयर एंड बाय।